छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न मतगणना केंद्रों में तैयारियां पूरी हो गई है। जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्ट्रांग रूम में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जांजगीर चांपा, अकलतरा और पामगढ़ के लिए 14-14 टेबलें लगाई गई हैं। मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले के अपर कलेक्टर SP वैद ने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी, इसके बाद EVM मशीन से काउंटिंग की जाएगी। आगामी 3 दिसंबर को जो मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में जांजगीर जिले की 3 विधानसभा किया जाना है, उसमें 3 विधानसभा के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष तैयार कर लिए गए हैं। उनके अभिकर्ता लोगों के आने के लिए 3 गेट्स अलग अलग निर्धारित कर लिए गए हैं। साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतगणना के लिए लगाई गई है, उनके लिए अलग गेट सेपरेट किया गया है। सबसे पहले जैसे कि निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि 8 बजे से मतगणना शुरू किया जाए, तो मतगणना 8 बजे जो है सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जाएगी। देन उसके आधा घंटे के पश्चात EVM से जो है EVM की मतगणना शुरुआत की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 कक्ष बनाए गए हैं। वहीं अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना के दौरान कक्ष में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले जाना प्रतिबंधित किया गया है।